बिरसा मुंडा वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गुरिल्ला युद्ध छेड़ा और अंग्रेज हिल गए। जवाब में अंग्रेज़ों ने अभियान चलाया, पैसों का लालच दिया, बिरसा पर 500 रुपए का इनाम रख दिया। पैसे का फंदा काम आया, घर का भेदी लंका ढाए। साल 1900 मार्च का महीना, किसी अपने के मुखबरी ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। 6 महीने की प्रताड़ना के बाद महज 25 साल की उम्र में बिरसा दुनिया छोड़ गए, या कहें हमेशा के लिए अमर हो गए। धरती अबा यानी धरती का पिता, झारखंड के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं बल्कि पूछते हैं। बीजेपी अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह 21 नवंबर को झारखंड के मनिका पहुंचे चुनाव अभियान की शुरुआत करने, तो सबसे पहले वही बोला जो लोग सुनना चाहते थे। बोले, ये भूमि बिरसा मुंडा नीलाम्बर पीताम्बर की भूमि है और जनता की तालियां देखने लायक थी। बिरसा मुंडा के बारे में हमने आपको बताया, पर शाह ने जो दूसरा और तीसरा नाम लिया नीलाम्बर पीताम्बर, ये कौन है ये हम आपको बताते हैं। ये कहानी है दो सगे भाइयों की जो वो काम झारखंड में कर रहे थे जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, मंगल पांडे कर रहे थे। बात 1857 की गदर की है। झारखंड के पलामू में इन दो भाइयों ने तब यहाँ अंग्रेज़ों को पानी पिला दिया था। बिरसा मुंडा से भी पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा दोनों भाइयों को विरासत में ही मिला था। पिता चेमू सिंह जो कि एक जागीरदार थे, उनकी भी अंग्रेज़ों से ठनी रहती थी। पिता चेमू सिंह जल्दी खत्म हो गए तो बड़े भाई नीलाम्बर ने ही पीताम्बर को पाला। दोनों में बड़ा प्रेम। जब 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह धधका, तो पीताम्बर रांची में थे। वहाँ उन्होंने आंदोलनकारियों के बारे में सुना, उनके जुनून के बारे में सुना, तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की ठानी, वापस पलामू लौटे। बड़े भाई नीलाम्बर को बताया तो बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ यहाँ भी थाम लिया। खरवार चेरो तथा भोगता समुदाय को एकत्रित करना शुरू किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। सबसे पहले नवंबर 1857 को राजहरा कोयला कंपनी पर हमला किया, इसने अंग्रेज़ों को हिला दिया। इतना कि जनवरी 1858 में इलाके के कमिश्नर डाल्टन को स्वयं पलामू आना पड़ा मोर्चा संभालने। लेकर भी एक भारी भरकम सेना आया। मद्रास इन्फेंट्री के 140 सैनिक बुलाए, रामगढ़ के घुड़सवार बुलाए, कुछ खास बंदूक चलाने वालों को भी बुलाया गया। फिर पलामू के किले पर हमला बोल दिया, जोरदार संघर्ष हुआ। पर युद्ध में गिनती बड़े मायने रखती है, साथ लड़ रहे लड़ाकों की गिनती। नीलाम्बर पीताम्बर इस मामले में कमजोर थे, उनकी विद्रोहियों की टुकड़ी अंग्रेजों के सामने छोटी थी। मजबूरन दोनों भाइयों को किला छोड़ना पड़ा। यहाँ डाल्टन को कुछ जागीरदारों के पत्र मिले जिसमें नीलाम्बर पीताम्बर ने मदद मांगी थी, सो उसने योजना बनाई कि इससे पहले इन भाइयों को मदद मिले इन्हें पकड़ना है। अंग्रेजों ने अपनी रफ्तार और तादाद दोनों बढ़ा दी तुरंत ही। डाल्टन ने सभी जागीरदारों को साथ आने और नीलाम्बर पीताम्बर को पकड़ने के आदेश जारी किए, मगर सबकी आंख का पानी नहीं मरा था। पलामू राजा से संबंध रखने वाले प्रमुख चेरो जागीरदार भवानी बक्स राय ने नीलाम्बर पीताम्बर का समर्थन किया। संघर्ष चलता रहा। एक रेड में इनके 3 साथी पकड़े गए, 2 को तुरंत फांसी दे दी गई। एक के सहारे डाल्टन 13 फरवरी 1858 को नीलाम्बर पीताम्बर के पैतृक चेमू गांव पहुंचा। यहां भी डाल्टन के हाथ दोनों भाई नहीं लगे। गुस्सा कर डाल्टन ने गांव में खूब कहर बरपाया। आगे भी जिसने इन दोनों भाइयों की मदद की वहां तबाही मचाई। नतीजा ये हुआ कि विद्रोहियों में फूट पड़ने लगी। इस दमनकारी अभियान के चलते 28 मार्च 1859 को आखिरकार दोनों भाई कर्नल डाल्टन के हाथ लग ही गए। 1859 को सरयाम पहाड़ी गुफा के सामने आम के पेड़ पर इन्हें फांसी दे दी गई ताकि इन आदिवासियों को मनोबल टूट जाए। मगर अंग्रेज सरकार को क्या पता था कि उनकी यह हरकत और इन भाइयों का जुनून एक बिरसा मुंडा को भी जन्म देगी, झारखंड वालों को हमेशा जोश दिलाएगी, गौरव का एहसास करवाएगी और झारखंड की हवा में ऑक्सीजन की तरह घुल जाएगी। और इसी ऑक्सीजन को वोट में बदलने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है, इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह झारखंड पहुंचे तो वो भी इसमें नहीं चूके। आपको नीलाम्बर पीताम्बर की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।